नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने। आपको बताते चले कि लगभग आधे घंटे की जो मुलाकात है वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच। और देखिए, अभी अभी मुख्यमंत्री आवास से जो तेजस्वी यादव है, जो कि उप मुख्यमंत्री है, वो अब मुलाकात करने के बाद बाहर निकल रहे। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो तस्वीर है, जो वीडियो है, वो देखिए स्क्रीन पर चल रहा है। किस तरीके से जो तेजस्वी यादव है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद बाहर निकल रहे। आपको बताते चले कि गया से लौटने के बाद सीधे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे। आधे घंटे की जो लगभग मुलाकात है वो हुई है। वहीं आपको हम ये भी बताते चले कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी ये कयासे लगाई जा रही है कि चर्चाएं हो सकती है। साथ ही साथ जिस तरीके से 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग की जो बातें हैं वो निकल कर सामने नहीं आई है। अब इन तमाम अटकलों के बीच जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो आज गया से लौटने के बाद सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे। और आपको बताते चले कि लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई है। देखिए एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास से जो तेजस्वी यादव हैं वो मुलाकात करने के बाद बाहर निकल रहे। आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जब से वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की कमान संभाले, उसके बाद बिहार में ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है कि एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं, राजद का साथ छोड़ सकते हैं, और फिर से एक बार वो एनडीए के साथ जा सकते हैं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब देखिए आपको ये भी हम बताएंगे कि ये साल की यानी 2024 की ये पहली मुलाकात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की। और तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंचे थे गया से लौटने के बाद, सीधे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास गए थे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है। लगभग आधे घंटे की बातचीत भी हुई है। ये कयासे भी लगाई जा रही है कि जो जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार की बात चल रही है, उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसको लेकर भी तेजस्वी यादव मुलाकात करने गए होंगे, चर्चाएं हो रही होगी। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से 2024 चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग की बातें नहीं हो पाई है, इसको लेकर भी ये कयासे लगाई जा रही है कि तेजस्वी यादव मुलाकात करने गए होंगे। देखिए तमाम कयासों के बीच, सियासी घमासान के बीच एक बार फिर से तेजस्वी यादव गया से लौटने के बाद सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुँचे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे, जहाँ पर लगभग आधे घंटे की मुलाकात भी। और देखिए जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, अभी वो भी देखिए किस तरीके से जो उमेश कुशवाहा हैं वो भी मुख्यमंत्री आवास में जा रहे। देखिए आपको हम ये भी तस्वीर दिखाएंगे, और आपको हम बताते चले कि लगभग आधे घंटे की जो मुलाकात हुई है वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े, तब तक के लिए धन्यवाद।